रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इंतहाम बाकी है, अभी अभी लांगा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमां बाकी है। बात की है आसमां की तो आज आपको पैराग्लाइडिंग दिखाएंगे, वो भी गुलाबा से ऊपर, थोड़ी ऊपर। यदि अपने वाहन से आए तो गुलाबा के उस तरफ पार्क कीजिएगा, यहाँ कोई आपको टैक्स या परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। और यह है पैराग्लाइडिंग जो पॉइंट है, जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ लाल लाल इंडिकेशन आ रहा है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होगी। और यहाँ का जो शानदार अल्टीमेट नज़ारा, प्राकृतिक और हिमालय का जो शानदार व्यू है, वो आपको देखने को मिलेगा। ऊपर पक्ष की भांति आप, जो बर्ड होता है उसकी भांति आप उड़ोगे, और वहाँ से ये जो हिम आच्छादित हिमालय है उसका शानदार अल्टीमेट नज़ारा। उड़ान प्रारंभ हो चुकी है और पूरी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा पैराग्लाइडर भी तैयार हो रहा है, हरे रंग का पैराग्लाइडर आपको ये लाल इंडिकेशन से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से वो उड़ेगा। यहाँ पहुँचने के लिए HRTC की बस है, वो अवेलेबल है मनाली से, तो यहाँ तक आप ऊपर तक आ सकते हैं, इसमें कोई परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ के जो अल्टीमेट नज़ारे हैं उसका पैराग्लाइडिंग के माध्यम से आप चिड़िया की भांति, बाज की भांति सिंहावलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। रोहतांग पास पर बनी मेरी वीडियो श्रृंखला, जिसमें 5 वीडियो शामिल है, मैंने प्रस्तुत की और उसमें आपका रेस्पॉन्स बहुत ही शानदार रहा, उसके लिए दिल से थैंक्स। और यदि आप नए हो, नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो क्वालिटी कैसी है और वीडियो की स्टेबलाइजेशन कैसी है, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। हाँ जी, दूसरा पैराग्लाइडर भी आ गया है पहले का साथ देने के लिए, लेकिन पहला जो पैराग्लाइडर है वो इन बादलों की बीच कहीं और हिमालय की जो वादियाँ हैं, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा बिंदु के समान, उसकी सुंदरता निहारते कहीं दूर आगे चला गया है। हिमालय की हिम आवृत, हिमाच्छादित जो श्रृंखला है उसका एंजॉय लेने के लिए आगे चला गया है। तो आप भी इस प्रकार के बादलों के बीच स्वर्ग जैसे नज़ारे का अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर है यहाँ पैराग्लाइडिंग कीजिएगा। यहाँ का जो चार्ज है सोलांग वैली से महंगा है, और यदि आपको सस्ते में पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप कुल्लू घाटी के अंदर, कुल्लू के आसपास कर सकते हो, वो इसकी आधी रेट में आपको अवेलेबल है। यहाँ के हम चार्ज की बात करें तो चार्ज सीजन के अनुसार बदलता रहता है, पीक सीजन में हाई हो जाता है और ऑफ सीजन में थोड़ा कम हो जाता है, अपने आप ही वो कम कर देते हैं। और यहाँ का चार्ज लगभग 3,500 रुपये यानी 3,500 रुपये के लगभग चार्ज किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी,
जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।